हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सिंगापुर आते हैं घूमने तो आपको कौन सा प्रीपेड कार्ड लेना चाहिए जिसमें आपको अच्छा डेटा, अच्छी स्पीड मिले और कॉलिंग मिनट्स भी मिले फ्री। तो मैंने ये लिया था एयरपोर्ट से, सिंगटेल का हाई टूरिस्ट कार्ड, और ये मुझे पड़ा था $30 का। इसमें लिखा हुआ है 12 दिन के लिए, लेकिन ये पूरा एक महीने के लिए मुझे मिला है। और इसके अंदर आपको 100 GB का डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड लोकल कॉल्स मिलेंगे, और इसमें आप ISD कॉल्स भी कर सकते हैं इंटरनेशनल। आई थिंक 100 मिनट्स या कुछ है, लेकिन अच्छे खासे मिनट्स आपको मिलेंगे इंटरनेशनल कॉल करने के लिए। ये 5G है, $30 में 28 डेज के लिए 100 GB आपको डेटा मिलेगा, और उसमें से 40 GB आप मलेशिया में भी यूज़ कर सकते हैं रोमिंग के दौरान। तो 100 में से 40 GB आप मलेशिया सिंगापुर दोनों में यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जो 60 GB है वो आप खाली सिंगापुर में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूं कि ये यहाँ पे 4G की स्पीड भी बहुत बढ़िया आती है, मतलब मैं कई बार टेस्ट कर चुका हूँ तो 70-80 MBPS आती ही आती है। कभी कभी हो सकता है कि 30-40 आ रही है, बट 60-70 आती है। तो अगर आपके पास 4G फ़ोन है तो भी आपको अच्छी स्पीड मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 5G में तो अच्छी आएगी ही आएगी। तो आप सिंगटेल का ले सकते हैं, सिंगटेल का यहाँ पे नेटवर्क अच्छा है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और कवरेज भी बहुत बढ़िया है। बाकी और भी हैं, जैसे स्टार हब है, M1 है। एयरपोर्ट पे बेसिकली आपको या तो सिंगटेल का मिलेगा या स्टार हब का मिलेगा, M1 का नहीं मिलेगा उधर काउंटर। तो मैंने सिंगटेल का लिया है और इसकी सर्विसेज मुझे अच्छी लगी है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फ़ोन में आराम से मतलब सिग्नल्स वगैरह सब आ रहे थे, कॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, डेटा में कोई इशू नहीं, तो इट्स गुड। तो अगर आप इवन जैसे आप अगर आप यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं और आपको डेटा की ज़रूरत पड़ती है अपलोड करने के लिए वीडियोज़ या देखने के लिए, तो 100 GB इज़ सफिशियंट, बहुत बढ़िया है। और अगर आप घूमने आ रहे हैं, लेट से 15 दिन के लिए भी आ रहे हैं, तो भी आपको $30 में अच्छा मिलेगा। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और 5G की कनेक्टिविटी भी अच्छी है। हालांकि मैंने टेस्ट नहीं किया है, मैं 4G से ही आई एम वेरी हैप्पी हियर, उसकी काफ़ी अच्छी स्पीड आती है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आप सिंगापुर आएँ। बिल्कुल जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे ग्रीन चैनल से, उसके बाद ही आपको कुछ आपको आउटलेट्स मिल जाएंगे। नॉर्मली जो मनी एक्सचेंजर होते हैं वो लोग ये सिम कार्ड बेचते हैं, अलग से आपको स्टार हब या सिंगटेल का आउटलेट नहीं मिलेगा, मनी एक्सचेंजर इसको रखते हैं। डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं, बस आपका पासपोर्ट लेंगे वो लोग, उसको स्कैन करेंगे, कॉपी करेंगे उसकी, और $30 आप कैश में दे सकते हैं, और बस। और ये तभी के तभी स्टार्ट हो जाता है, मेरे ख्याल से कुछ एक जगह वेट करना पड़ता है कुछ मिनट्स के लिए, या कुछ SMS करना पड़ता है, डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट विद इन मिनट्स ही आपको स्टार्ट हो जाएगा, सर्विस देना शुरू हो जाएगा। फिर बाद में आप कैब्स वगैरह करने के लिए वहाँ की ऐप है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे अपने ओला वगैरह है, इसी तरह से यहाँ पे भी यूज़ होती है, आई थिंक जिंग कैब करके है, 2-3 ऐप्स हैं, आप वहीं पे चेक कर लेना। तो ये इसका रिव्यू है कार्ड का। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय।